Hello people, welcome and welcome back to my channel. It's Neetu Revalia here. So this vlog is going to be a day in my life. Guys, I have reached my college. So अभी मैं पहुंच गई हूँ कॉलेज एंड अभी टाइम हो गया है 8:15 एंड आई हैव ऑलमोस्ट लाइक 1:15 बिकॉज जो मेरा लेक्चर होगा फर्स्ट लेक्चर वो है 9:30 को एंड AECC है एंड आई हैव ऑप्टेड इंग्लिश इन माई AECC. लाइब्रेरी के खुलने का वेट ना करते हुए हम चलते हैं अपने रूम में, दैट इज़ 403 एंड वहीं पर मेरी क्लास होगी. तो जब सर आएंगे तब अपना बंद कर देंगे, तब तक के लिए हम अपना पढ़ लेंगे. ओके देन बाय. आई वेंट टू द 403 रूम नंबर बट वहाँ पे कोई और क्लास होनी थी 8:30, तो वहाँ से मुझे निकलना पड़ा एंड नाउ आई एम थोड़ा सा ही उसके पास में ही है. सो इट्स ऑलमोस्ट 9:30 एंड जब मैं आई थी सुबह सुबह तब काफ़ी कम बच्चों के लेक्चर्स होते हैं और ऑल दो हमारे कॉलेज में लेक्चर्स ही 8:30 शुरू होते हैं तो बहुत कम बच्चे थे इस फ्लोर पे. सो अभी 9:30 का ऑलमोस्ट टाइम हो गया एंड चल कल हो गई शुरू. सो राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स एंड तब तक जब तक वो नहीं आते आई डू सम क्वेश्चंस. अभी मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन किए हैं, अकाउंट्स कर रही हूँ मैं एंड फिर उसके बाद आई हैव माई AECC क्लास एट 9:30. सो दैट्स द प्लान, दैट्स द शेड्यूल, दैट्स द टाइम टेबल ऑफ द डे. तो आफ्टर टू लेक्चर्स अभी फ्री हुए हैं, क्लास हुई, वो क्लास लेने के बाद अभी हमारा ब्रेक चल रहा है, दैट मीन्स लंच. तो अब मैं हैंड वॉश करने आई हूँ एंड फिर उसके बाद अभी हम लंच करेंगे.
सो देर आर मेनी एरियाज विच आई हैवंट एक्सप्लोर्ड येट एंड जिमनास्टिक रूम इज़ वन ऑफ देम. सो आई वेंट इन टू इट टू हैव अ लुक. And after the break, now I'm heading toward my next class. This is my GE class and I have opted economics in that. So after my GE class, I have a break of 1 hour. So I went to an empty room with my friends just to study. And right now I'm doing accounts. After utilizing the time in the break, we rush towards our next class at 2 for corporate law. And after finishing this lecture, I went to the library to issue a book. Right now I'm leaving college. Library गई थी, books मिली नहीं because already ही मेरी class के बच्चे and दूसरे section के बच्चों ने वहाँ पे सारी collect कर ली. बची नहीं थी, एक दो थी, बहुत पुराना edition था तो उनको लेकर फ़ायदा नहीं था. So अभी मेरे को book नहीं मिली. सो गाइज आई फाइनली रीच्ड. तो अभी टाइम हो गया है 4:28 एंड अभी मैं पहुंची हूँ. तो गाइज अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए हैं एंड बहुत भूख सी लग रही थी क्योंकि आज मेरा फास्ट है, आज जो व्रत में खाते हैं फास्ट फूड आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग बट मैं ही खा रही हूँ. अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे. टाइम हो गया है 5:00. सो वेलकम बैक टू माई ओल्ड सेटअप, दैट इज माई ओल्ड स्टडी टेबल. यहां से बैठकर मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए हैं एंड ये सेटअप आपको बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है बिकॉज इट्स बिन वेरी लॉन्ग दैट आई हैव अपलोडेड अ वीडियो. ऑल्सो इट्स बिन वेरी लॉन्ग दैट आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, अ डे इन लाइफ ऑफ अ सी एस्पिरेंट. तो ये काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है. आई अपलोडेड इट इन अक्टूबर आई गेस. सो अक्टूबर से सीधा अप्रैल, सो इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो राइट नाउ आई एम डूइंग पार्टनरशिप एक्ट, दैट इज लॉ पढ़ रही हूँ मैं, उसमें पार्टनरशिप एक्ट कर रही हूँ. और आई एम एमिंग फॉर 15th of April. एमिंग फॉर वॉट, कि मैं अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कर लूँ. मैंने सोचा है कि मैं अपना सारा सिलेबस 15th of April तक ख़त्म कर लूँगी एंड उसके बाद मेरा रिविजन का मैंने टाइम सोचा है कि मैं उसमें 15 April के बाद आई विल डिवोट माई एंटायर डे, माई एंटायर टाइम ऑन रिविजन ओनली. आप भी मुझे अपनी स्ट्रैटेजी, अपना टाइम टेबल, आपने क्या सोचा है वो सब बताए, बिकॉज एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे. हमारे बीच में कॉम्पिटिशन आएगा, सो येस दैट विल बी अ वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन. सो डू गाइज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. अभी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो गई है, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो के लिए बचा लेते हैं बिकॉज आई एम रियली वेरी टॉकेटिव. और मैं बातें करना शुरू कर देती तो मैं चुप नहीं होती. सो यस अभी हम पढ़ाई करते हैं. इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है. जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है. सब आसान है.
से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल डिनर कर रही हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले दो क्लासेस ली हैं लॉ की, तो अभी मैं खा रही हूँ। दिस इज़ खीर। दिस इज़ किस चीज़ की खीर? मेरा मन नहीं है ज़्यादा कुछ खाने का, बिकॉज मैंने घर आके 4:30 बजे के आसपास मैंने अभी खाया था कुछ, तो मेरे को भूख नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी खीर ली है, दैट इज दिस इज साबुदाने की खीर। अभी मैं ये इन्जॉय करती हूँ एंड सी यू आफ्टर सम टाइम। सो गाइज, राइट नाउ आई एम डूइंग इको के कुछ क्वेश्चंस। सो ये MCQ हैं। सो आई हैव डन अप्रॉक्सीमेटली, अभी तक तो मैंने कर लिए, आई वॉज डूइंग बाय द वे अप्रॉक्सीमेटली मैंने 30 अबव तो कर लिए। एंड राइट नाउ आई एम थिंकिंग टू स्लीप, बिकॉज 9:30 के अराउंड टाइम हो गया एंड मुझे सुबह जल्दी उठना है। सो अभी थोड़ी देर में मैं सो जाऊँगी। या सो होप यू गाइज लाइक दिस ब्लॉग, एंड इफ यू डिड देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। ये हम हैं, ये हमारे फ्रेंड्स हैं, बोलो भाई।